अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू ईज़ लर्निंग। आज हम वर्ल्ड वॉच हिस्ट्री 2 का यूनिट नंबर 2 करेंगे, द हुमायूँ, जिसका हमारा टॉपिक चल रहा था हुमायूँ दी स्पेन। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हुमायूँ दी स्पेन में बात हो रही है कि जब सिविल वॉर चल रही थी सीरिया और इराक के दरमियान, तो हुमायूँ डायनेस्टी को जो है वो हार का सामना करना पड़ा था, और फिर वहाँ के खलीफा को चेंज कर दिया। जो वहाँ पर नई डायनेस्टी आई यानी अब्बासीद, वो लोग आए थे 750 सेंचुरी में। फिर सेंटर ऑफ पावर जो है वो शिफ्ट हो गया सीरिया से इराक में। एक यंग उमायद प्रिंस, यानी हार तो वो लोग गए थे लेकिन उमायद प्रिंस जिसका नाम था वहाँ पर अब्दुल रहमान, वो अब्बासीद फोर्सेस से आज़ाद हो चुका था, ठीक है, और मतलब वहाँ से भाग गया था। उनकी कैद से आज़ाद होकर उसने कंट्रोल हासिल कर लिया फिर सीरिया और इराक का। फिर वो अंदलुस पहुँचा जहाँ उसने इस्टेब्लिश करा अपना रूल वहाँ पर 756 सेंचुरी में, ठीक है। अलंदुलस अ मॉडल ऑफ टॉलरेंस एंड इंटेलेक्चुअल कॉपरेशन। अलंदुलस जो है वहाँ पे जो है बर्दाश्त भी बहुत लोग करते थे और बहुत एक दूसरे के साथ कॉपरेट भी करते थे। इस जगह पर ऐसी सोसाइटी बनी थी जहाँ मुसलमान जो स्पेन में रहते थे वो मुख्तलिफ कल्चर के साथ रह रहे थे, ठीक है, और जो जोइश पॉपुलेशन है वहाँ पर रहती थी। मुसलमानों के अराइवल से पहले, मुसलमान वहाँ पहुँचे नहीं थे उससे पहले, जो है सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन किसकी थी, जोइश की थी, और वो लोग जो है तंग आ चुके थे क्रिश्चियंस की मेजॉरिटी से। तो उन्होंने मुसलमान जो वहाँ पर जब आए तो उन्होंने बहुत खुशी से उनको वेलकम किया। क्रिश्चियन पॉपुलेशन जो है वो बहुत हैरत में थी और के मुसलमान इतने अच्छे क्यों हैं, और विक्टोरियस थे मुसलमान यानी फतेहयाब थे मुसलमान वहाँ पर आए थे, और उन्होंने किसी भी प्रॉपर्टी को उनके नुकसान भी नहीं पहुँचाया, और उन्हें वर्शिप यानी इबादत करने के लिए भी अलाउ किया था उनके चर्चेस में, और उनको इवन ये भी इजाज़त दी थी कि वो नए चाहें तो वो भी बना सकते हैं। इस टाइम के दौरान एक जो है नोटेबल यानी अपराइजिंग आया मुसलमानों के ख़िलाफ़, यानी हम सब ने नोट किया कि मुसलमान जो है बहुत ऊपर जा रहे हैं, तो उसके खिलाफ हो गए थे क्रिश्चियंस जो है उनके ख़िलाफ़ जो है साजिशें कर रहे थे, ठीक है, जो बहुत बेचैन थे क्योंकि मुसलमान जो वहाँ के आम इंडिविजुअल्स थे, जो वहाँ के लोकल आबादी थी, वो आराम से जो है ईज़ीली जो है इस्लाम के अंदर दाखिल हो रही थी, यानी इस्लाम को अपना रिलीजन बना रही थी। उनका एम ये था और वो ऐसी चीज़ें करते थे मुसलमान के रूलर्स के दरमियान इनटॉलरेंस है और ऐसे ऐसे क्रिटिसिज्म करते थे। जब वो ये सारी जो इन्होंने कैंपेन जो स्टार्ट की थी वो 851 सेंचुरी में स्टार्ट, इन सारे चैलेंजेस के बावजूद ऑल्दो के क्रिश्चियन जो है मुसलमानों के सख्त खिलाफ हो गए थे और उनके खिलाफ मुख्तलिफ कैंपेन्स कर रहे थे, यानी उकसा रहे थे लोगों को कि वो मुसलमान रूलर्स के खिलाफ हो जाएं। उन्होंने मुसलमान रूलर्स ने जो है काफ़ी पेशेंस दिखाया उसके अगेंस्ट, यानी वो क्रिश्चियन भले अटैक कर रहे थे लेकिन वो फिर भी बर्दाश्त का मुजाहरा कर रहे थे मुस्लिम रूलर्स, ठीक है। क्रिश्चियन लीडर्स जो अंदलुस में मौजूद थे वो खुलेआम क्रिटिसाइज़ कर रहे थे और बहुत सारे चाहते थे कि डिवाइड हो जाए जो कम्युनिटीज़ आपस में, ताकि झगड़े करवा रहे थे आपस में और ऐसी बातें कर रहे थे जिससे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो। लेकिन इसका जो क्योंकि मुसलमान रूलर्स ने बर्दाश्त का मुजाहरा किया था तो ये लोग अपने जो मिशन में फेल हो गए थे, ठीक है, और दूर चले गए। फिर ये लोग के इनको अब इंटरेस्ट नहीं रहा क्योंकि इनका वर्कआउट जो इन्होंने साजिश की थी वो वर्कआउट नहीं कर रही थी। जैसे ही वक्त गुजरा अल अंदलुस खास करके कोर्ट डाउबा बन चुका था एक मशहूर जगह जहां लोग बर्दाश्त के साथ आपस में रह रहे थे, हालांकि उनका ताल्लुक मुख्तलिफ रिलीजियस बैकग्राउंड से था। स्पेनिश माना जाता था कि वहां पर ऐसी हारमनी थी, ऐसा इतिहाद था कि लोग आपस में मिलकर रहते थे। ला कन्वेंसिया भी जो है इसका मतलब है लिविंग टुगेदर, ठीक है। एटमॉस्फेयर ने ऐसा कंट्रीब्यूशन किया, ऐसा ग्रेट कोलैबोरेशन बना, ऐसा आपस में जो है वो माइंडसेट बना कि यहाँ के स्कॉलर्स जिनका ताल्लुक मुख्तलिफ फेथ से था, थ्री फेथ से था, जो यूरोप और एशिया से बिलोंग करते थे, और वो आपस में क्या कर रहे थे, मिलकर रह रहे थे। दो बेस्ट एग्जांपल इस इंटेलेक्चुअल कोऑपरेशन की थी इब्न रुशद और माइमोनिदेस की। इनमें से एक जो है वो मुस्लिम थे और दूसरे जोइश थे। दोनों बॉर्न हुए थे कॉर्डोबा में 9 ईयर के गैप से 12th सेंचुरी में। उन्होंने गेन किया वर्ल्ड फेम, यानी पूरी दुनिया में वो मशहूर हुए। उन्होंने ग्राउंड ब्रेकिंग वर्क किया साइंस में, मेडिसिन में, यानी उन्हें बुनियाद रखी नेचुरल साइंस की, मेडिसिन की, लॉ की, फ़िलासफ़ी की और एस्ट्रोनॉमी की। दोनों याद जो लोग हैं वो इंस्पायर्ड थे एंशियंट ग्रीक से, यानी उनके काम से, और उनके काम जो है बहुत हाईली ओरिजिनल था, बहुत न्यू नया नया लगता था और मतलब असल लगता था। हालांकि जो है ऐसे सबूत भी मिले हैं कि इन्होंने ऐसे आइडियाज़ डेवलप किए थे जो दोनों आपस में मिलकर ही करते थे।